हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ बहुत ही अनोखे किचन टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिसे देखकर आप लोग का दिल भी खुश हो जाएगा और हाँ लगेगा कि सच में ये बहुत ही काम के टिप्स हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला टिप्स हमारा ये है, ये हॉट स्पॉट, ये पानी गर्म करने वाले को लेकर के, ये हमारे ऊपर से भी अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले गई हूँ बहुत ही अच्छा देसी जुगाड़, ये देख सकते हैं कोलगेट है वाइट वाला। इस वाले कोलगेट से आप इसे बहुत ही अच्छे से अंदर बाहर से चमका सकते हैं। तो मैंने कोई भी आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वाइट कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते मैं एक ब्रश की सहायता से इसे इस तरीके से चारों बगल लगा ली हूँ और उसके बाद इसे इस तरीके से क्रश करते हुए इसी तरीके से पूरा हम कर लेंगे। अगर ये सूखा सूखा लगे तो पानी का भी यूज कर लेंगे इसमें, उसके बाद हम इसे धो लेंगे। धोने के बाद देखेंगे कि बहुत ही अच्छा चमक जाता है और अंदर में हम इसे गर्म पानी करके नमक डाल के भी साफ कर लिए अच्छे से। तो ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा तैयार होकर रेडी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अगला टिप्स। तो अगला टिप्स है हमारा इस तरीके की कलाई को लेकर के, जो भी स्वेटर हो कुछ भी पहने रहते हैं फुल बाजू का ठंडी का मौसम में, तो हमें काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, आप लोग को पता होगा अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का रबर लेंगे बालों में लगाने वाला, इस स्वेटर के ऊपर को दोनों बाजू को ऊपर कर लेंगे अच्छे से एक एक मतलब बित्ता का, और इसमें रबर इस तरीके से लगा देंगे और अब हम फ्री होकर काम कर सकते हैं। तो देखिए कितना है ना कमाल का ये भी टिप्स हमारा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना अगला टिप्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे माचिस लिया है। तो ये ठंडी के मौसम में सबको पता होगा कि माचिस जलने की नाम ही नहीं लेती, इसके ऊपर जो फास्फोरस लगा रहता है रेड फास्फोरस, ये गीला गीला सा हो जाता है, इसके कारण ये हमारा जलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें तवा जब भी हम रोटी बनाए या फिर गर्म तवे पे इस तरीके से सेक लेंगे, इसे डायरेक्ट बगल में रख के ना सेके, नहीं तो इसमें आग पकड़ लेता है बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर देखिए सेकने के बाद हमारा ये जो माचिस है बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सेक करके यूज कर सकते हैं ठंड के मौसम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप। तो ये देख सकते हैं ऑल आउट तो सबके घरों में रहता है मच्छर भगाने वाला, गुड नाइट जो भी बोलिए इसे। इसमें जब भी लिक्विड खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसके मशीन को रख लेते हैं और ये डिब्बी को फेंक देते हैं। लेकिन अब से हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इस डिब्बी में मतलब हम क्या करेंगे, परफ्यूम भर देंगे और उसके बाद इस तरीके से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम कोई भी परफ्यूम जो अच्छा सा गमक आता हो वो हम इसमें भर देंगे इस तरीके से, जैसे भी आपको हो उस तरीके से। भरने के बाद इसको हम इसमें सेट कर देंगे और हम इसे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा तो हमारे पूरे घर में इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। तो देख सकते हैं मैं इस तरीके से इसमें लगा दूंगी और स्विच ऑन कर दूंगी, तो इस तरीके से इसमें से सेंट का परफ्यूम थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा कुकर के, कुकर को लेकर के देख सकते हैं इस तरीके से। ये कुकर जब भी मतलब हम ये बाहर से एयर जो इसमें लीकेज होते रहता है, रबर हमारा ढीला पड़ जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमारे घरों में जब भी खाना बनाते हैं तो आटा तो रहता ही है, तो उस आटे को इस तरीके से गूंथा हुआ तो हर एक के घर में रहता है आटा, क्योंकि खाना बनता है तो रोटी तो बनता ही है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आटा ले लेंगे और हम इसे इस तरीके से हाथों की सहायता से पतला पतला लोई की गोल गोल बना करके और बेलनाकार इसमें हम इस तरीके से चिपका देंगे, तो उस वक्त हमारा बहुत ही अच्छा इसमें सीटी आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर